जैसे कोई कंपनी अगर किसी चीज पे रिसर्च कर रही है, जैसे कोई दवा बनाने वाली कंपनी, अब वो रिसर्च कर रही है दवा बनाने के, कोरोना के वैक्सीन को लेकर बहुत रिसर्च हुआ था, अभी स्टेम सेल कोशिकाओं को मारने के लिए कैंसर को की दवा बनाने में पहली सफलता हाथ लगी है, अभी वो रिसर्च फेज में है, अभी उस पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च होंगे, तब जाके वो रिसर्च होगा और रिसर्च होने के बाद वो पब्लिश होगा। और दवा बनाने के लिए दवा कंपनियों का नियम है, सरकार का नियम है कि आप दवा में क्या क्या मिलाए हैं ये पीछे कंपोजिशन पे लिखना पड़ेगा। तो कैंसर की दवा बनने में 50 साल लग गए, करोड़ों रुपए खर्च हो गए, और उसके बाद जब वो दवा बनेगी तो पीछे लिखिएगा तो तुरंत वो डुप्लीकेट बना देगा सब। तो डुप्लीकेट बनाने वाले को कुछ नहीं जाता है, तो 5-10 रुपये में बेच देगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इसके लिए दिया जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, क्योंकि इंटेलिजेंट लोग बनाते हैं, बौद्धिक संपदा है, उनकी खेत खलिहान तो है नहीं, उनके दिमाग की संपत्ति है। तो बौद्धिक संपदा के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक एक्ट है जिसके तहत उन्हें पेटेंट दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है? पेटेंट दे दिया जाता है। पेटेंट, पेटेंट जो होता है वो 20 सालों के लिए दिया जाता है। ये किसी न किसी नए चीज़ों पर दिया जाता है। जिस चीज़ को, जिस कंपनी को या जिस व्यक्ति को पेटेंट मिल जाता है, अगले 20 साल तक उस चीज़ का उत्पादन वही व्यक्ति कर सकता है, दूसरा कोई नहीं करेगा। अब आप बताइए, कैंसर के दवा बनाने वाली जो कोई कंपनी है, अब वो कंपनी जो है, अगर वो उसने दवा बनाया और उसका किसी ने कॉपी कर लिया, तो लॉस किसको लगेगा? कंपनी। तो कोई कंपनी नया रिसर्च करेगी ही नहीं करेगी, उस सब चोरी के फिराक में रहेंगे, सर जल्दी मिले हम चुरा ले यहाँ पर। तो इससे कि नए नए इनोवेशन प्रभावित होगा, नवाचार मतलब इन्वेंट करने की आदत लोगों से हटेगी। तो जरूरी यह है कि जब कोई इन्वेंट करता है तो उसे बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की अनुमति दी जाए, ताकि वह पैसे कमाए, उसको देखकर दूसरे लोग प्रेरित हों और उस कंपनी के पास भी बहुत सारा पैसा हो, ताकि वो नेक्स्ट जाके क्या कर सके, रिसर्च कर सके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत नहीं ना? तो 20 साल के लिए किसकी दे देगा पेटेंट? कैंसर के लिए। आप बताइए, उस दवा कंपनी, उस दवा को कौन बनाएगा? वही कंपनी बने। कितने साल तक? 20 साल तक बनाएगी। प्राइस कौन डिसाइड करेगा? दवा कंपनी प्राइस को क्या करेगी? डिसाइड करेगी। अब वो जितना प्राइस रखेगी उतना में ही क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। तो प्रॉफिट होगा कि नहीं कंपनी को? अगर वो 1,000 रखती है तो 1,000 में भी खरीदना पड़ेगा। 1,00,000 रखेगी, 1,00,000 खरीदना पड़ेगा।